बात करेंगे कि सर्दियों में आजकल का जो मौसम है उसमें पानी की कमी या डिहाइड्रेशन से कैसे बचें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि हमारे ना चाहते हुए भी हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं इस मौसम में, जिसके दो तीन बेसिक कारण होते हैं। एक, पानी कम पिया जाता है सर्दियों में, दूसरा थोड़ा मूत्र की मात्रा ज़्यादा बनती है ठंड से, और तीसरा कॉफ़ी चाय का सेवन ज़्यादा हो जाता है आजकल के मौसम में। इन सब चीज़ों से हम ज़्यादा मूत्र पास करते हैं, जिससे डिहाइड्रेट होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो सिंपल उपाय हैं, जैसे अगर आप दफ्तर में 8 घंटे बैठते हैं, अपने पास 2 बोतल पानी भर के रखिए, और ये ध्यान रखिए कि घर जाने से पहले, निकलने से पहले वो दोनों बोतलें पानी आपने पी लिया हो। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें, अगर ज़्यादा पीना है तो उसी हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। रात को पार्टी वगैरह में शराब का सेवन ना करें, कम से कम करें, क्योंकि किसी भी किस्म की शराब में किडनी में यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो फिर डिहाइड्रेशन की फीलिंग आती है। नमक कम नहीं करना, जनरली सर्दियों में मीठा ज़्यादा खाया जाता है, गज्जक ये सब पूजे, तो नमक की मात्रा शरीर में पूरी होनी चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि कभी मौसम के हिसाब से ये मत सोचिए कि भाई मैं कम गर्म कपड़े डालूंगा, क्योंकि जितनी ठंड आपको लगेगी उतने ज़्यादा किडनी यूरिन बनाएगी, उतने आपको डिहाइड्रेट होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पानी की कमी शरीर में या डिहाइड्रेशन होने के संभावना काफ़ी कम रहेगी सर्दियों में।